नमस्ते, चेस रेसिपी 24 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में कटहल की बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 kg कटहल लिया था, जिसे मैंने इस तरह से साफ करके बारीक टुकड़ों में करके लिया है। गैस पे मैंने एक बर्तन रखा है, उस पर मैंने पानी गर्म करने रखा है। पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच नमक। दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई कटहल। इसे अच्छे से मिक्स करके उबाल आते तक के हम ढक के पकने देंगे। कटहल को फनस भी कहा जाता है, साथ में इसे जैक फ्रूट भी कहते हैं। ये बहुत ही हेल्दी सब्जी होती है। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से इसे पकाने से इसमें जो चिकनाहट होती है वो निकल जाती है। इस पानी का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे मैंने दूसरे बर्नर पे भी पानी गर्म करने रखा था। बिरयानी बनाने के लिए हमें चावल की ज़रूरत है। मैंने डाला है 2 छोटी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 7 पुदीना और 1 चम्मच नमक। पानी अच्छे से बॉईल हो जाए, हम इसमें डालेंगे चावल। चावल यहाँ पे मैंने बासमती लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धो के 1/2 घंटे तक के धो के रखा था। चावल को हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से खड़े मसाले डालने से चावल बहुत ही अच्छे खुशबूदार होते हैं और बहुत ही अच्छा एरोमा और साथ में स्वाद भी आता है। चावल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 70% ही पकाना है, क्योंकि दम भी लगाना है तो दम में भी हमारे चावल पक जाते हैं। इस तरह से जब ऊपर में हमारे मसाले आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि खड़े मसाले जब मुँह में आ जाते हैं तो मसालों का जो टेस्ट होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगता है। अब हम चावल को निकाल लेंगे। चावल पकाने की जो प्रक्रिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर कोई गलती होगी तो हमारी बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। चावल हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। इस तरह से हम चालने वाले बर्तन में इसे निकाल के रखेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाएगा और जो भाप है वो भी हमारे निकल जाएंगे, जिससे हमारा चावल बहुत ज़्यादा कुक नहीं होगा। अब गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में तेल रखा है गर्म करने के लिए। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए थे, जिसे मैंने लंबा काट के लिया था और उसे नमक लगा के रखा था। और इस तरह से हमें इसे ब्राउन होते तक के अच्छे से डीप फ्राई करके लेना है। ये हमारा हो गया बरिस्ता बनके तैयार। इस तरह का बरिस्ता बिरयानी में डालने से हमारी बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये बरिस्ता मार्केट में रेडीमेड भी मिलता है, आप चाहे तो वहाँ से भी खरीद सकते हो या घर पे भी बना सकते हो। वाओ, देखिए हमारा बरिस्ता बनके तैयार है। अभी तेल हमारा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इसे हम निकाल लेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, कर्णफूल, तेज़पत्ता, कलमी, जावित्री, मिरी, लौंग। इस तरह के मैंने यहाँ पे खड़े मसाले लिए। आप अपने स्वाद अनुसार क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। खड़े मसालों को अच्छे से भून लेंगे। वाओ, खड़े मसालों का बहुत ही अच्छा एरोमा आ रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी सरसों के दाने, जीरा, हींग, बारीक कटा हुआ प्याज। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। स्वाद अनुसार नमक। लाल मिर्च पाउडर। लाल काश्मीरी मिर्च पाउडर। धनिया पाउडर। हल्दी पाउडर। सभी सूखे मसालों को भी हम अच्छे से मिला लेंगे।
यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है जिसे मैंने थोड़ा पानी डाल के भिगो के रखा था। इस तरह से गरम मसाला डालने से वो जलता नहीं है और मसाला अच्छे से पक जाता है और उसका जो टेस्ट होता है, एरोमा होता है, वो हमारे ग्रेवी में आ जाता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छे से मसालों को पका लेंगे और मसालों का सारा एरोमा हमारे ग्रेवी में आ जाएगा। इस तरह से पानी डालने से मसाले जलते नहीं हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कटहल की सब्जी भी बनाई जाती है, साथ में इसका अचार भी बनाया जाता है। कटहल की बिरयानी भी बनाई जाती है और पके हुए कटहल को फ्रूट के रूप में खाया जाता है। और ये बहुत ही हेल्दी फ्रूट है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं हमारे लिए। देखिए हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। टमाटर प्याज अच्छे से पकना चाहिए, तभी हमारी ग्रेवी का थिकनेस बढ़ता है और उनका थिकनेस बढ़ने से हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है। अब हम इसमें डालेंगे फनस को। इस तरह से हम कटहल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी। पानी डाल के हम हाई फ्लेम पे इसे और 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे। देखिए अच्छे से उबाल आ चुकी है। हम चेक करेंगे कि हमारा फनस पका या नहीं। देखिए फनस पक चुका है, मतलब हमारी सब्जी बनके तैयार है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। वाओ, सब्जी का बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। तो अभी हमारी सब्जी भी बनके तैयार हो गई, हमारा राइस भी कुक हो चुका है। तो अब हम लगाएंगे बिरयानी को दम। फनस की बिरयानी बहुत ही अच्छी लाजवाब लगती है, इस चिकन के सामने भी बहुत ही टेस्टी लगती है। नॉनवेज खाने वाले लोगों को भी ये बहुत पसंद आती है। तो इस तरह से एक बर्तन ले, उसमें हम डालेंगे घी। घी को हम सभी साइड से बर्तन के लगा लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चावल। गैस का फ्लेम लो कर देंगे और चावल की एक लेयर डालेंगे। फनस को चिकन का भाई भी कहते हैं, वेज खाने वालों को तो बहुत ही पसंद आता है, साथ में नॉन वेज खाने वाले भी इसे पसंद करते हैं। और इसकी जो बिरयानी बनती है वो तो बहुत ही लाजवाब बनती है। चावल के ऊपर मीन डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा डालेंगे बरिस्ता। बरिस्ता, मीन और हरा धनिया की जो खुशबू होती है और उनका जो एरोमा है वो बिरयानी में इतना अच्छा लगता है, बहुत ही लाजवाब लगता है। इस तरह से हम फनस के सब्जी के भी एक लेयर डालेंगे। अब उसके ऊपर हम डालेंगे चावल। देखिए हमारा चावल बहुत ही अच्छा खिला खिला और खुला खुला हुआ है और बहुत ही अच्छा खुशबूदार भी हुआ है। चावल पकाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिरयानी में। इसमें अगर कोई गड़बड़ होगी तो हमारी बिरयानी उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो चावल बनाते समय थोड़ा ध्यान रखें। ऊपर से हम थोड़ा घी भी डाल रहे हैं, घी से बहुत ही अच्छा एरोमा आता है बिरयानी को। यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा घेवड़ा और साथ में गुलाब जल, इससे तो बिरयानी को बहुत ही लाजवाब टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे मैंने गेहूँ का आटा है जिसे मैंने गून के ले लिया है। इस तरह से आटा गून के मैं बिरयानी के बर्तन के सभी साइड से लगाऊंगी। वाव, इस तरह से आटा हम सभी साइड से लगाएंगे। इस
तरह से आटा लगा के इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन। इससे जो बिरयानी को दम लगेगा ना वो बहुत ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल भी हमारे मसालों का और हमारे जो चावल का सब्जी का जो भी अरोमा है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा और हमारी बिरयानी एकदम लाजवाब और एकदम टेस्टी बनेगी। तो आप इस बिरयानी को ज़रूर बना के देखिए। इस तरह से बिरयानी को 20 मिनट तक दम लगाएंगे, उसके बाद दम लगा के गैस बंद कर देंगे और उसे आधे घंटे तक के हम ढक्कन नहीं खोलेंगे। जब आधा घंटा हो जाएगा बिरयानी हमारी ठंडी हो जाएगी, उसके बाद हम नाइफ की सहायता से जो हमने आटा लगाया था उसे निकालेंगे। वाव, कितनी लाजवाब हमारी बिरयानी दिख रही है, हमारा चावल भी कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा एरोमा आ रहा है। आप इस बिरयानी को बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे इस तरह से चम्मच से ना निकालें, ऐसे वाले चम्मच से निकालें। बिरयानी निकालना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि किस तरह से आप निकालते हो, इस तरह से हमें बिरयानी निकालनी होती है। वाव, कितनी अच्छी दिख रही है हमारी बिरयानी, मेरे तो मुँह में पानी आ गया है। आप इसे बिरयानी को ज़रूर बना के देखिए। वाव, आप इस बिरयानी को दही रायता के साथ में, बूंदी रायता के साथ में खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्ते। आपको मेरी बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।